हाय गाइस, दिस इज खुशबू अग्रवाल और इस वीडियो में हम ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में देखेंगे। सो दिस इज ईसीजी वेव जिसमें हमें पी क्यू आर एस टी यू दीज आर द पीक्स जो हमें मिलता है। सबसे पहला पीक मिलता है पी, जो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को डिपिक्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले डीपोलराइजिंग सिग्नल हमारे आर्टेरियम में आता है जो कि ब्लड को फिल करता है वेंट्रिकल में, डंप करता है वेंट्रिकल में। सो सबसे पहला पी वेव इज आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट हमारा एक सेगमेंट आता है डीले सेगमेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, ताकि सारे के सारे ब्लड को वेंट्रिकल में डंप किया जा सके और ब्लड पूलिंग से बचाया जा सके, उसके लिए होता है हमारा पी क्यू सेगमेंट डीले। देन हमारा क्यू आर एस आता है जो कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन अब शुरू हो गया, साइमल्टेनियसली एट्रियम हमारा रिपोलराइज कर रहा है। फिर आता है हमारा एस टी सेगमेंट, ये एस टी सेगमेंट वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन कंप्लीट करने का सिग्नल है। एंड देन आता है हमारा टी वेव जो कि वेंट्रिकल को रिपोलराइजेशन करवाने का वेव होता है। सो यू वेव भी हमें कभी कभी दिखता है, विच इज पुर्केंजी फाइबर का रिपोलराइजेशन वेव। सो थैंक यू सो मच।